हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ ग्रीन गैस लिमिटेड की वैकेंसी की डिटेल के बारे में। और भी वैकेंसीज अगर आपको देखनी है तो मेरे चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं पीकेसी नाउ पे, जहां पे आपको वेल इसरो में अभी लेटेस्ट वैकेंसी आया है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। इसरो में एक खास बात अपडेट आपको बता दूँ, जो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग 1 ईयर या जो भी, तो उसमें देखिए अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आप एग्जीक्यूटिव और सुपरवाइजरी रोल पर हैं, यानी कि आप ऐसे अच्छे खासे पोस्ट पे वहाँ पे हैं तभी आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे अकाउंटेंट है, क्लर्क हैं तो आप एलिजिबल हो गए अप्लाई करने के लिए। और जो गवर्नमेंट में है उनके लिए पे स्केल दिया हुआ है, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ नहीं बताया गया है कि कितना CTC होना चाहिए वगैरह। तो आई थिंक जिनका CTC 8 to 9 लाख है वो लोग ही एलिजिबल हैं उस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो अब उसको मैंने क्लियर कर दिया है तो वो चीज़ें देख लीजिएगा। आज बात करते हैं ग्रीन गैस लिमिटेड की वैकेंसी के बारे में। तो पोस्ट यहाँ पे ऑफिसर फाइनेंस रखा गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो डिस्क्लोज्ड नहीं किया गया है कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, तो आई थिंक 2 या 3 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा पोस्ट। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो CA, CMA, MBA फाइनेंस और PG DM आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। CA, CMA, MBA फाइनेंस एंड PG DM फाइनेंस, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 35 ईयर्स रखा गया है एज ऑन 31 मार्च 2020, तो आपका एज जो है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम एज क्राइटेरिया कुछ बताया नहीं गया, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप CA CMA कर रहे हैं तो 21 ईयर से ज़्यादा तो आपकी एज हो ही जाती है। सैलरी की बात करें तो सैलरी काफ़ी अच्छा है, और क्यों अच्छा है अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ दो चीज़ें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। 4.8 लाख पर एनम का यहाँ पर CTC दिया जा रहा है, यानी कि आपका ऑलमोस्ट 40,000 पर मंथ सैलरी मिलने वाला है। तो 40,000 आपका ये मिलने वाला है, वो क्यों थोड़ा अच्छा है मैं अभी बताने वाला हूँ। जॉब टाइप, इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि जॉब टाइप जो आपका वो है कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब 1 साल का, और आपको 40,000 पर मंथ दिया जाएगा। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 40,000 एज ए फ्रेशर आपको स्टार्टिंग अगर कोई दे रहा है तो अच्छी बात है। अगर आपको इससे अच्छा मिल रहा है कहीं पैकेज तो भी अच्छी बात है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, बट आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं 40,000 पर मंथ से। और ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि 1 साल के लिए तो अभी है इनिशियली, उसके बाद 3 साल तक एक्सटेंड किया जाएगा। टोटल ड्यूरेशन हो गया आपका 3 ईयर्स नेक्स्ट यानी कि आपका हो जाएगा। और इसमें एक कंडीशन दिया है 3 ईयर्स और प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट। सो जिस प्रोजेक्ट के लिए आपको हायर किया जा रहा है वो या तो कंप्लीट हो जाएगा या आपका 3 साल जो भी पहले होगा वो यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर एक्सटेंड होता है तो और भी एक्सटेंड किया जा सकता है, जो फर्दर आपको जो वहाँ पे काम करेंगे उनको बता दिया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन यहाँ पे 22 अप्रैल 2021 है, और यहाँ पे अप्लीकेशन मोड जो है ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ से आप रजिस्टर करके इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये पूरा डिटेल था इस वैकेंसी से रिगार्डिंग। और खास बात, यहाँ पे कोई भी अप्लीकेशन फीस नहीं है तो आप इसको अप्लाई तो कर ही सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही प्यार देते रहिए, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स, जिसमें आप इलिजिबल नहीं हो सकता, आपके फ्रेंड्स इलिजिबल हैं, आपकी फैमिली का मेंबर कोई इलिजिबल हो सकता है, सो उन्हें जरूर बताइएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।